शुभ प्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में पुनः स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम शरद जोशी जी के जीवन परिचय के बारे में एवं उनके द्वारा रचित कहानी अतिथि तुम कब जाओगे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। शरद जोशी जी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सन 1931 में इनका जन्म हुआ था और सन 1991 में इनका देहांत हुआ था, यानी कि जिस वर्ष में शीत युद्ध बंद हुआ था उससे एक वर्ष पहले। हम किसी भी चीज़ को जैसे याद रखते हैं तो किसी उन चीज़ों को किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट कर लेना चाहिए हमें, ताकि वो हमें याद रखने में आसानी हो सके। तो इसी तरीके से तो शरद जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई सन 1931 को हुआ था। इनका बचपन कई शहरों में बीता, यानी कि ये कहीं एक स्थान पर नहीं रहे, अलग अलग स्थानों पर जाते रहे। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में भी रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया, यानी कि जीवन यापन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए इन्होंने लेखन शैली को ही अपनाया, अर्थात नौकरी इन्होंने छोड़ दी। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे, यानी कि किसी चीज़ की कुछ चीज़ों पर व्यंग करना, उन चीज़ों जैसे कहते हैं ना, हम किसी चीज़ पर कटाक्ष करते हैं या फिर जो है टोंट कसते हैं जैसे कि, तो व्यंग करना यानी कि जो समाज में कुरीतियाँ फैली होती हैं या फिर जो है समाज में कुछ ही गलत होती है उन चीज़ों पर व्यंग करना, तो इस प्रकार का इन्होंने लेखन आरंभ किया। इन्होंने व्यंग्य लेखन, व्यंग्य उपन्यास, उपन्यास यानी कि आपको पता ही है नोवेल, ठीक है, तो व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। पटकथाएं यानी कि किसी चीज़ का मूल आधार। उन्होंने शरद जोशी जी ने हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है, इनका एक अलग छाप, इनका एक अलग नाम है उस चीज़ में। तो शरद जोशी जी की जो प्रमुख व्यंग्य कृतियां हैं, यानी कि जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, ग्रंथ लिखे हैं, उनके कुछ नाम हैं जो इस प्रकार से हैं: परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, इनके जो दो व्यंग्य नाटक भी हैं, अंधों का हाथी और एक था गधा, एक उपन्यास है मैं केवल मैं उर्फ, ठीक है, कमलमुख बीए। शरद जोशी जी की जो भाषा है वो अत्यंत सरल सहज, यानी कि जो है बिल्कुल जो समझ में आ जाए आसानी से पढ़ने से, ऐसी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को और भी ज़्यादा रोचक बनाया है, यानी कि इनकी कहानियों में, इनकी जो उपन्यास है या नाटक है, जो भी इन्होंने लेखन कार्य किया, उन लेखन कार्यों में इन्होंने हल्का हल्का हास्य रस का भी प्रयोग किया है, ताकि जो है पढ़ने वाला जो पाठक वर्ग होता है वो उस चीज़ों को लेकर बोर ना होए और मज़े में रोचक तरीके से उनकी कहानियों को पढ़े। धर्म, आध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी जी की पैनी नज़र से बच नहीं सका, यानी कि इन्होंने अपनी रचनाओं में धर्म से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित, राजनीति से संबंधित, सामाजिक जीवन से संबंधित, यानी कि समाज में जो चल रहा है फिर जो चलता है उस चीज़ से संबंधित, और व्यक्तिगत आचरण यानी कि जो सामान्य व्यक्ति का जो आचरण होता है उस चीज़ को लेकर के इन्होंने हर चीज़ पर लगभग अपना लेखन कार्य किया है। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों यानी कि जो गलत रीतियां हैं, इस प्रकार की जो गलत संगतियां हैं का बेकाब चित्रण किया है, यानी कि बेझिझक होकर बिना किसी से डरे उसका चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित हो जा भी होता है और बहुत कुछ सोचने को भी विवश हो जाता है। अब जैसे कि ये वाला पाठ है, प्रस्तुत पाठ, तुम कब जाओगे अतिथि, ये अतिथि तुम कब जाओगे, में शरद जोशी जी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले जाते हैं और फिर जाने का नाम भी नहीं लेते, यानी कि वहीं पर बस जाते हैं, भले ही उनका जो है
उनका जो है टिके रहना मेजबान पर इतना भी भारी क्यों ना पड़े। अच्छा, अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और एक दो दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेजबान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेजबान निरंतर सोचते रहे। यानी कि जो ये पाठ पढ़ेंगे तो वे निरंतर सोचते रहे, तो यानी कि अतिथि होता कौन है? ये एक तरीके से क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है शरद जोशी जी ने। तो चलिए सबसे पहले अब हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। हमने इस पाठ शरद जोशी जी के जो जीवन परिचय के बारे में जाना और उनकी कुछ रचनाओं के बारे में, उनकी भाषा कैसी थी, उन्होंने किस प्रकार की रचना का कार्य किया, और तुम कब जाओगे अतिथि, इस पाठ के पाठ प्रवेश को हमने जाना। तो चलिए अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि, या अतिथि तुम कब जाओगे, इसी पर एक मूवी भी आई थी अजय देवगन की, अगर आप सब ने देखी हो तो, अतिथि तुम कब जाओगे। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। यानी कि जिसके यहाँ पर अतिथि आया है उसके मन में, उसके यहाँ आए हुए अतिथि को चौथा दिन हो गया है और ये प्रश्न बार बार आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रहती हैं। विगत दो दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, यानी कोई हल्का भी नहीं, बहुत भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना नज़र नहीं आती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे, यानी कि जब नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर गए थे तो उसका उदाहरण देते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि लाखों की लंबी दूर यात्रा करने के बाद में वो भी इतने दिनों तक चांद पर नहीं रुके थे, वो भी तुमसे पहले वापस आ गए थे, तो और उससे ज़्यादा दिन तुम्हें हो गए हैं। जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो, यानी कि छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जो जमीन है पर अंकित कर चुके। तुमने एक अतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेचैनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी खोद चुके हो, अब तुम लौट जाओ अतिथि, ऐसा मन में सोच रहा है लेखक, ठीक है, या फिर जिसके यहाँ अतिथि आया है वो, कि अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उचित समय है, यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम। क्या कोई तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती, यानी कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं याद करते, क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं बुलाते। उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क रहा था, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटवा कांप गया। लेखक कह रहा है अंदर ही अंदर जब तुम्हें देखा तो मेरा बटवा कांप गया, यानी कि इससे पहले भी ऐसी घटना घट चुकी हो, या फिर जानता हो व्यक्ति कि ये व्यक्ति ऐसा है तो उसको देखकर ऐसी स्थिति मन में उत्पन्न हो जाती है। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में आओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया, यानी कि एक साधारण भोजन करने वाले हम व्यक्ति, हमने उसको डिनर में बदल दिया, अर्थात जो है एक अच्छा भोजन तैयार किया आपके सत्कार में। तुम्हें स्मरण होगा कि दो सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी, और आशा क्या थी, आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे।
इस आशा से हमने आपकी मेहमान नवाजी की, लेकिन तुम नहीं गए भाई। हम तुमसे ठीक है रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे, ऐसा हमारे मन में विचार था, और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, पर ऐसा हुआ ही नहीं। दूसरे दिन भी तुम जो है अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही डटे रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा भी दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े आज तक। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था कि चलो अब मैं चलता हूँ, लेकिन जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा किया ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था, यानी कि ना सहने योग्य ये एक चोट थी, ना दिखने वाली एक चोट, अप्रत्याशित यानी कि जो है ना दिखने वाली चोट, ना दिखने वाला आघात, एक ऐसी चोट, मार्मिक चोट। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यों रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान ना था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता। इससे पहले जैसे कहा जाता है कि अतिथि देवता होते हैं, तो जब तुमने ये बात मुझसे कही कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि अतिथि देवता नहीं होता है, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है, ऐसा लेखक को जब लगा, जब लेखक को अतिथि ने कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, यानी कि वो और भी रुकेगा, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, अपने मन ही मन में एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा, और अपनी सहज बनियान और औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर जो है खोल दिया था, पर अब जब वे आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा, यानी कि जब कोई भौचक्का हो जाता है, ऐसी बात सुनता है, तो जैसे आंखें बड़ी सी हो जाती है ना, एकदम भौचक्की सी हो जाती है, तो वही दृश्य यहाँ पर रहा। तो जब उसकी पत्नी ने सुना कि जो है कि लॉन्ड्री पर देने जा रहे हैं, तो उसकी आँखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसको भी यही लगा कि क्योंकि है अतिथि अभी नहीं जाएगा, अतिथि अभी नहीं ठहरेगा, और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ चुकी है, ठीक है, यह लुप्त तो हो गई है, परंतु फिर भी तुम यही हो। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की छलकती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से ठप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्म पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया, यानी कि जब बातचीत भी लगभग समाप्त हो गई और चर्चा के विषय चुक गए। जैसे कोई अतिथि आता है आपके घर में, या आपका कोई दोस्त आता है,
तो जैसे मामा या कोई इत्यादि, तो बहुत सारी बातें होती है एक दिन तक, 2 दिन तक, लेकिन जो है वे बातें सिर्फ 1 या 2 दिन तक होती है, तो उसके बाद में जो है बातें भी धीरे धीरे समाप्त हो या होने लग जाती है। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने रिश्ते, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, और यहाँ तक कि आँख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है, यानी कि लगभग सारी बातें हो चुकी है। जो सौहार्द था, जो प्रेम था, अब वो सने सने यानी कि धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। यानी कि जो हास्य मुंह पर मुस्कुराहट थी, जो बातें थी, जो प्रेम था, वो धीरे धीरे जो है बोरिंग होता जा रहा है, बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे हो। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया, यानी कि ऐसी कौन सी गोंद है जो तुम्हें लगा दी और तुम यहीं चिपक गए भाई। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये, जा नहीं रहे? मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ, भगा तो नहीं सकता, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ खिचड़ी, बनाओ भैया। सत्कार की जो ऊष्मा थी वो समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते हो तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं कि होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है, कि लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत की भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है, क्या जो बोला जा सकता है, जो बोला जा सकता है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर में मैं भी मनुष्य हूं। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते, देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी से तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ अतिथि। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? तो यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और अब हम इस कहानी के प्रश्नोत्तर को करेंगे अगली वीडियो में। आप सभी इस कहानी को ध्यानपूर्वक पुनः पढ़ें और पढ़ करके इसके प्रश्नोत्तरों को स्वयं से हल करने का प्रयास करें। तो चलिए अगली कक्षा में हम इसके प्रश्नोत्तर के साथ में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।